आज कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, इसमें सम्मिलित होने के लिए सभी भवाना से लेकर टंबर तक के जो कार्यकर्ता हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हार्दिक, आज आपों से पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ यहाँ पर कहा, लेकिन सारे इलाके की बात नहीं करूंगा, इस धार क्षेत्र की ही बात करूंगा। जब मैं विधायक बना तो इस टंबर पंचायत के लिए ही आपके लिए स्कूल की बिल्डिंग का प्रबंध किया, जबकि बच्चे यहाँ पर ऐसी दयनीय स्थिति में कमरों में पढ़ते थे, जबकि ये कमरे जो हैं कभी भी बच्चों के ऊपर गिर सकते थे। मैं धन्यवाद करता हूँ राजा वीरभद्र सिंह जी की, जो कि आज हमारे बीच नहीं रहे। जब उनका कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, आप सभी लोगों ने, टंबर की जनता ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर उनका स्वागत नहीं किया, बल्कि यहाँ मोड़ पे ही नीचे जो है उन्होंने 10 कमरों के भवन के निर्माण के लिए घोषणा की, और जिसके फलस्वरूप 3.5 करोड़ रुपए जो है मंजूर हुआ, और जिसका आज आपके सामने जो है भवन बनकर जो है वो तैयार हो रहा है। साथ ही साथ में इस इलाके में सिंचाई की कोई आने वाले समय में आप सब लोग एकजुट होकर एक नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, और जो भी आपके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, यहाँ ही नहीं, यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी लंबी चौड़ी है, बालू से लेकर लाड़ू कूण और इस तरफ सरी मोलक तक जो है कॉन्स्टिट्यूंसी फैली हुई है। जहाँ भी आपकी रिश्तेदारी है, आपके सगे संबंधी हैं, आपके दोस्त हैं, आपने वहाँ तक मैसेज फैलाना है, और ये सच्चाई है। आज प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और आप सभी एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को और मुझे यहाँ से जिताएं, और जिताने के बाद जो भी आपके रुके पड़े काम हैं, उन कामों के लिए मैं अभी से आपके साथ वचनबद्ध हूँ, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी आप लोगों की जनहित के मुद्दे होंगे, जो लोगों की मांगे होंगी, जो समाज में चाहिए होगा, उसको हम अपनी ओर से पूरा करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ जब सरकार होगी, आपका अपना विधायक होगा, तब काम जो है वो ज्यादा होते हैं। हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिले।